संजय कुमार बाजोरिया जो कि पेशे से कपड़ा व्यवसायी है, 31 दिसंबर को अपने क्रेटा कार से रुपया कलेक्शन कर अपने चालक रितेश कुमार यादव के साथ कहलगांव के रास्ते झारखंड से अपने घर लौट रहे थे। उसी दिन करीब 9:30 बजे रात्रि में जब वो खनकित्ता गांव के पहले पुल के पास पहुंचे, तब चालक रितेश यादव ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाकर गाड़ी का सभी दरवाजा अनलॉक कर दिया। पीछे से एक सफेद स्कॉर्पियो आकर रुका और उससे 5-6 अपराधी हथियार से लैस होकर आए और गाड़ी से कलेक्शन का 11 लाख रुपए, एक काला रंग का बैग, एक नेवी ब्लू रंग का बैग एवं एक छोटा वेलवेट बैग जिसमें डेली यूज का कपड़ा था लूट लिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया था। अनुसंधान के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि कपड़ा व्यवसायी संजय कुमार बाजोरिया के पूर्व चालक रोहित कुमार यादव एवं वर्तमान चालक रितेश कुमार यादव ने षड्यंत्र रचकर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट कांड में संलिप्त अपराधियों की पहचान तकनीकी एवं गुप्त रूप से करते हुए इसकी गिरफ्तारी हेतु एसआईटी की विशेष टीम द्वारा छापेमारी करते हुए गुप्त सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर लूट की घटना में शामिल कुल 6 अपराधियों को लूट का सामान व लूट में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों में रितेश कुमार यादव, रोहित यादव, विक्की यादव, गोलू पासवान उर्फ विक्रम कुमार पासवान, अरुण यादव, पंकज यादव है। वहीं अभी भी एक अपराधी फरार चल रहा है जिसको लेकर छापेमारी जारी है। देखिए 31/12/23 को पुलिस को सूचना मिली सबार पुलिस को कि कनकित्ता गांव के पास एक रोड पे संजय कुमार बिजोरिया जो कि एक कपड़ा व्यवसायी हैं भागलपुर शहर के, उनके साथ एक लूट की घटना घटी है और तकरीबन 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति वो स्कॉर्पियो से आए पीछे से और संजय कुमार बिजोरिया जो थे वो क्रेटा से अपना पैसा कलेक्ट करके झारखंड से आ रहे थे कहलगांव के थ्रू। कहलगांव के रास्ते आ रहे थे और घोघा बाजार उन्होंने पार किया और कनकित्ता के पास उनके साथ एक स्कॉर्पियो से 5 से 6 अज्ञात व्यक्ति ओवरटेक किया और घेरा और उनके ड्राइवर ने गाड़ी रोका संजय बिजोरिया के और उन्होंने लूट की घटना जो है उसका अंजाम दिया। तकरीबन 11 लाख रुपए जो है जो विक्टिम ने बताया है 11 लाख रुपए जो है उनसे लूटा गया और इसमें जो है सबसे प्रमुख बात यह है कि इस षड्यंत्र में जो उनके ड्राइवर थे, जो वर्तमान ड्राइवर थे उनका नाम है रितेश कुमार और उसके साथ साथ उसके पूर्व में जो उसके गाड़ी के ड्राइवर थे रोहित यादव, इन दोनों का षड्यंत्र था और इन दोनों ये लाइनर का काम इन्होंने किया और ये लोग संपर्क में थे तो जो पीछे जो स्कॉर्पियो था उसके अंदर जो है रोहित यादव भी बैठे हुए थे जो उनके पूर्व में ड्राइवर थे और क्योंकि ये लूट की घटना थी 5-6 अपराध कर भी इसमें इन्वॉल्व थे और ये कपड़ा व्यवसायी थे। कांड की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया गया और ये पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में इस टीम ने काम किया और 24 घंटे के अंदर इस टीम ने 6 गिरफ्तारियां की। सबसे पहले उन्होंने रितेश और रोहित यादव को गिरफ्तार किया और इनकी निशानदेही पर अन्य 4 लोग को गिरफ्तार किया गया जो कि विक्की यादव हैं नवटोलिया के, गोलू पासवान मनोहरपुर थाना मधुसूदनपुर, अरुण यादव थाना मधुसूदनपुर, पंकज यादव करेला थाना मधुसूदनपुर और इनके कन्फेशन में पंकज यादव जो है इन्होंने कन्फेस किया और इनसे इनका जो आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। गंभीर जो श्रेणी के केसेस हैं जिसमें 364A का भी केस इनके ऊपर है, लूट है, मर्डर है और विस्फोटक अधिनियम के केस इनके ऊपर है और डकैती के केस इनके ऊपर है और जो बरामदगी हुई है इस छापेमारी में वो देसी कट्टा 3 है, कारतूस 7, जिंदा 1, मिसफायर कुल 8 कारतूस है, नगद 55,000 रुपये जो रिकवर किया गया है और जो पैसा जो वादी ने बताया है कि जो पैसा लूटा गया है उसका सत्यापन किया जा रहा है कि उन्होंने कहां कहां से वो पैसा कलेक्ट किया था झारखंड से, उसका सत्यापन किया जा रहा है और सत्यापन उपरांत जो है विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जो बरामदगी हुई है लूटा गया सोने का चेन का टुकड़ा वो भी जो है बरामद किया गया है अभियुक्त से। घटना में 2 मोबाइल जो प्रयुक्त हुए हैं वो भी बरामद किया गया है। लूटा गया कपड़ा, 1 सूटकेस, 2 बैग, सेविंग किट, मेडिसिन जो कि वो ले जा रहे थे जब झारखंड से लौट रहे थे वो भी बरामद किया गया है। इस टीम ने 24 घंटे के अंदर जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसका संकलन किया गया और गुप्त रूप से जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया इन दोनों का सहयोग लेके इस टीम ने 24 घंटे के अंदर त्वरित कार्रवाई की है और इस टीम में इंस्पेक्टर सौम्य प्रियदर्शी सदर अंचल शामिल थे, विवेक कुमार जायसवाल SHO सबौर, ओम प्रकाश SHO बाईपास TOP, रंजीत कुमार SHO जगदीशपुर, SI मिथिलेश SHO कजरैली,
SHO विश्वबंधु मधुसूदनपुर, SI सुशील राज DIU के, SI धर्मेंद्र कुमार सबौर, SI विजय प्रसाद सबौर, SI दिलीप राम कजरेली थाना, और जो हमारे DIU के सिपाही बच्चन कुमार, और CIT के सुनील कुमार, कमलेश कुमार, अमित कुमार, शिवम कुमार DIU के, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। तो पुलिस ने और एक जो अभियुक्त है। बिहार में शीतलहर का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी जारी है। सर्द पछिया हवा ने कनकनी बढ़ा दी है, तो वहीं न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे की चादर ने सिल्क सिटी भागलपुर को अपने आगोश में ले लिया है। घने कोहरे के कारण भागलपुर में विजिबिलिटी 20 से 25 मीटर रह गई है, जिससे लोगों को सड़क पर आवाजाही करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर में लोगों ने बताया कि पहले ही सिल्क सिटी में सर्दी सितम ढा रही थी और अब कोहरे ने परेशानियां बढ़ा दी है। जी हाँ, पिछले 2-3 दिन से ठंड ने पहले अपना प्रकोप बढ़ाना स्टार्ट किया और आज तो कोहरे ने हद कर दी है। 20 मीटर 25 मीटर भी दिख नहीं रहा है। गाड़ियों की संख्या रोड पर कम हो गई है। यहाँ सैंडिस मॉर्निंग वॉक आने वाले की संख्या बहुत गिर गई है और बच्चों का स्कूल भी खुल गया है। सोने पे सुहागा बोलिए। नहीं, हमारे बच्चे का खुला हुआ है। बच्चों और बुजुर्गों को संभल के रहने का मौसम है। घर में ही रहें ज़्यादा बेहतर है। और बहुत सारे घरों में आजकल रूम हीटर या अलाव जलाकर, प्रशासन को भी कुछ अलाव की व्यवस्था इधर करनी चाहिए नगर निगम के द्वारा, जैसे हर साल हुआ करता था। दुर्घटना तो ऐसे में बहुत संभल के चलाने की आवश्यकता है गाड़ी, क्योंकि दिखाई 20-25 मीटर से ज़्यादा दिख नहीं रहा था। हमारे बच्चे तो आज स्कूल जाने वाले थे, उसको लेके थोड़ा चिंता थी। हालांकि बस आती है, बस लेके जाती है, और माताजी बुजुर्ग हैं तो उनके लिए अलाव जला के घर के उसके बाद। आज सबसे पहले तो गाड़ी जो चलाने में आगे का बहुत नज़दीक का भी नहीं दिख रहा है, इसमें सबको सावधानी बरतनी चाहिए और लाइट अपनी गाड़ी का जला के ही गाड़ी चलानी चाहिए। हम लोग भी गाड़ी का लाइट जला के ही चलते हैं। आज आए हैं तो अपना टोपी मफलर, साल का पहला आज धुंध वाला ठंडी है, आज साल का सबसे ज़्यादा ठंडी है। और संजोग अच्छा है कि कल तो स्कूल खुलने वाली थी बच्चे लोग की मॉन्टेसीसी, लेकिन आज के लिए बंद कर दी गई है, तो बच्चे वाली परेशानी नहीं है। बाकी जॉब काम सब अभी मैदान में आ रहे हैं। हाँ, जो मैदान में भी आ रहे हैं उनको, जो बुजुर्ग हैं जो ये हैं, तो अपनी मैंने थोड़ा सा लेट करके आए। जब कमी आई है बहुत बहुत, एकदम आदमी ही नहीं दिख रहा है। आज खेलने वाले जो बैडमिंटन सब आते हैं वो सब भी नहीं दिख रहे। ठंड की परेशानी से सभी अपने परहेज में। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार, जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी भागलपुर। आप सभी देशवासियों और भागलपुर वासियों को नववर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और आप लोग नए वर्ष में सुखी रहें, सानंद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नव वर्ष 2024 के शुभ अवसर पर मैं ढेर सारी शुभकामना और बधाई जिला जनता दल यू परिवार भागलपुर की ओर से देशवासियों को, बिहार वासियों को एवं भागलपुर वासियों को देता हूं। साथ ही साथ पूरे देश में अमन चैन एवं शांति कायम हो, भाईचारे के साथ पूरा देश और जिला राज्य में लोग रहे, यही कामना ईश्वर से करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जी प्रणाम, मैं अमर सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास की ओर से भागलपुर एवं देशवासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। ये नव वर्ष 2024 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। प्रणाम। नमस्कार, आइडियल टाइल्स की तरफ से भागलपुर शहर वासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार मंडल, मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरेनी, स पैक्स अध्यक्ष बलवाचक की ओर से पंचायतवासी एवं प्रखंडवासी एवं जिलावासी को आने वाले 2024 नव वर्ष की एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी। तमाम माता बहनों के बच्चों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चे नए वर्ष में रोग से, व्याधि से दूर रहे,
साथ ही हमारी सोसाइटी दुर्घटना पर काम करती है। अतः आपसे एक निवेदन है कि नए साल में ले नया प्रतिज्ञा, घायल को देख फोटो वीडियो बना मत आगे बढ़ जाना, उसे अस्पताल जरूर लेकर जाना, उसकी जान बचाना। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः नव वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। राजद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता की ओर से सभी भागलपुर वासी, राज्यवासी और देशवासियों को नव वर्ष 2024 एवं मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका नव वर्ष खुशियों से भरा एवं मंगलमय हो। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा भागलपुर में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को लेकर भागलपुर पहुंचे, जहां आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि देश में चलाई जा रही मोदी सरकार की योजना में सबसे अधिक योजना का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के दरवाजे तक पहुँचा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों को खासकर समझना चाहिए कि जब योजनाओं के लाभ एवं नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है, सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर मोदी सरकार चल रही है तो कांग्रेस और उनके सहयोगियों द्वारा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक कहकर समाज को विभाजन किया जा रहा है, जहां सांप्रदायिकता के आधार पर देश का ध्रुवीकरण कर मतदान करना देश के लिए घातक है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में राज्य और सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार एक राज्यविहीन राज्य है जहां कानून का राज समाप्त हो गया है और भू माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया तीनों माफियाओं का राज है। वहीं आम नागरिक तो असुरक्षित है ही, पुलिस भी असुरक्षा की भावना से गुजरती है। वो दो यात्राओं में शामिल होने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि अल्पसंख्यक समाज को इस बात के को स्वीकार करना चाहिए कि मोदी सरकार की योजनाएं सबसे अधिक उनके दरवाजे तक पहुंच रही है। कल उज्ज्वला गैस के अंतर्गत, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिन 5 लोगों को मैंने सांकेतिक रूप से गैस के कनेक्शन दिया, वो 5ों ही कथित रूप से अल्पसंख्यक समाज के थे। दूसरे स्थान पर जिन 4 लोगों को दिया उसमें 3 अल्पसंख्यक समाज के थे। तो इस देश में जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक विभाजन कांग्रेस एवं उसके साथी दलों ने किया है और जो वे बार बार आरोप लगाते हैं कि मोदी सरकार बहुमतवादी सरकार है, वह आरोप पूरी तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा निराधार करती है। इसके साथ साथ बिहार, हिंदुस्तान और खासकर भागलपुर के मुस्लिम समाज को विशेष करके इस बात के लिए आत्मलोचन करना चाहिए कि जब योजनाओं का लाभ में, नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है और सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर चल रहा है, तो उन्हें भी अपने मतदान करने की पद्धति में और व्यवहार में बहुलता लाना चाहिए। किसे मतदान करें यह उनका विशेषाधिकार है, लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पर, ध्रुवीकरण के आधार पर मतदान करना इस देश के लिए घातक साबित होता रहा है और घातक साबित होगा। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा में
जो लाभ मिल रहा है उसका एक प्रतिबिंब सामने आ रहा है। दूसरा, बिहार सरकार के दबाव में या जैसा अधिकारियों ने कहा, वे इस एक ऐतिहासिक यात्रा में जितना उत्साह के साथ उनको सहयोग करना चाहिए था नहीं कर रहे, वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि राज्य सरकार का दबाव है। अब मैं एक राष्ट्रीय प्रश्न और पर आता हूं। पिछले 9.5 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इस देश को सम्मान के साथ समृद्धि की ओर ले जाने का काम किया। सम्मान का दो अभिप्राय है, देश के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उन तक योजनाएं और योजनाओं का लाभ सामंतवादी तरीके से नहीं पहुंचा है जो कांग्रेस पार्टी देती थी। वह एक बहुत ही सम्मानित तरीके से उनको पहुंचाया गया, यानी लाभार्थी के पास पार्टी के कार्यकर्ता अधिकारी उनके घर पे दस्तक देने जाते हैं कि आपने कार्ड बनाया या नहीं बनाया, आयुष्मान कार्ड, आपको अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक यह। दूसरा, देश के बाहर जो भारत की आर्थिक प्रगति हुआ है और नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यक्तित्व के द्वारा जो प्रभाव डाला है, तो पहली बार आजाद भारत को पूरी दुनिया में एक सम्मानित स्थान मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गिनती स्वाभाविक सहज तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन, उसी तरह माइक्रोन मॉरिसन जो दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं मोदी जी की तुलना हो रही है, उनके बीच में निर्णय की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। यह विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक प्रतिबिंब है जो लोगों को दिखाई पड़ रहा है। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि विकास तभी संभव है जब समाज में स्थिरता हो। स्थिरता का मतलब कानून व्यवस्था दुरुस्त हो। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। यहां सरकार है, राज्य नहीं है, स्टेटलेस गवर्नमेंट है। सरकार दिखाने के लिए होती है कि ये मुख्यमंत्री हैं, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये मंत्रिमंडल है, वो दिखाई पड़ रहा है। राज्य वह होता है जो संस्थाओं के द्वारा काम करता है, और वह राज्य कानून और व्यवस्था लागू करता है। लेकिन इस बिहार पर भू माफिया, शराब माफिया और बालू माफिया, इन तीन माफिया का राज चल रहा है। और यह आप अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, बिहार के विभिन्न जिलों में देख सकते हैं। इसी कारण से आम नागरिक तो असुरक्षित है ही, स्वयं पुलिस भी असुरक्षा की भाव से गुजर रही है। हाल में एक जिले में आपने सुना होगा जब पुलिस अधिकारी शराब के ठेके पर गए, अवैध शराब पर, उन्हें ही गोली मार दी। जिस राज्य में सुरक्षा कर्मी ही असुरक्षित हो जाए और राज्य सरकार असहाय दिखे, उसे ही राज्य विहीन सरकार कहते हैं। बिहार की इस दुर्गति के लिए यह गठबंधन जिम्मेदार है, और ये इस गठबंधन के पास अब नैतिक अधिकार नहीं है, इसलिए वो जाति, संप्रदाय, अन्य मुद्दों को बार बार सामने लाकर इस और उस तरह से लोगों को भटकाना चाहती है, लोगों को मूल मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। शिक्षा के सभी केंद्र आज भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, या स्कूलों के भवन जर्जर हो चुके हैं, शिक्षकों की अनुपस्थिति रह रही है, और विद्यालय को ठीक करने की जगह, शिक्षकों की नियुक्तियों को ठीक करने की जगह बिहार की सरकार के पाठक हिंदू की छुट्टियों की कटौती कर रहे हैं। यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि में यह सरकार चल रही है। भागलपुर नगर निगम में मेयर और नगर आयुक्त के बीच चल रहे विवाद को लेकर डिप्टी मेयर ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वो सोच कर आए थे कि शहर का विकास होगा, लेकिन उस प्रकार से शहर का विकास नहीं हो पा रहा है। जहां जाड़े के समय अभी कंबल का वितरण हो जाना चाहिए था, लेकिन इसकी अनुमति भी अभी तक नहीं मिली है। 28 तारीख हुई बैठक के दौरान हंगामे के बाद बैठक स्थगित कर दी गई, जिस कारण कई कार्य नहीं हो पाया, जिसको लेकर वो मेयर और नगर आयुक्त से बात करेंगे और शहर के विकास में सभी को मिलजुल कर एक साथ करने की कोशिश करेंगे। हम लोग मिलजुल करके काम करें,
हो सकता है बहुत सारे काम में कुछ डिले होता है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, किसी टेंडर को रीटेंडर कराना पड़ता है, और विशेषकर सफाई एजेंसी से गिला शिकवा ज्यादा है, तो हम उसको कैसे यहाँ से विदा करेंगे या कैसे इसको सुधार करेंगे, तो इसके लिए एक प्रयास हम लोग का होना चाहिए। आप लोगों को जो बुलाया कि हम मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त साहब हो, या हमारे माननीय पार्षद जन और अस्थायी समिति के सदस्य हो, मिलजुल करके बैठे और भागलपुर के विकास के लिए हम लोग काम करने का प्रयास करें। छोटे छोटे बात को लेकर के हम ऐसे इस पर न हो जिससे कि हमारा विकास बाधित हो, तो हम चाहेंगे ऐसे पार्षद जो चाहते हैं और नगर आयुक्त साहब हमारे मेयर साहब आप मिलजुल करके हम लोग एक प्रयास करें और जो भागलपुर की मूलभूत समस्या है उस समस्याओं को दूर कराने का पॉजिटिव ढंग से प्रयास करेंगे तो हम समझते हैं कि जरूर हमें कामयाबी मिलेगी और सब अपने वार्ड के लिए अपने शहर के लिए काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं और जनता को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस वोट से, तो हम बहुत सारे भावनाओं का बहुत सारे ऐसे इसको भागलपुर की जनता के लिए हमें त्यागना होगा ताकि उन तक वो लाभ पहुंचे और हम हमारी कुछ प्रॉब्लम नहीं हल हो पा रहे हैं तो हमें प्रयास करना, तो हम ये चाहेंगे कि सब मिलजुल करके मेयर साहबा हो, नगर आयुक्त हो, हमारे माननीय पार्षद हो, मिलजुल करके इस काम को करें और भागलपुर के विकास के लिए, भागलपुर की जनता के विकास के लिए पूरा मेहनत करें, उनको हम छोड़ भी दें भागलपुर की जनता के लिए, ताकि जनता जो बहुत उम्मीद से हम लोगों को भेजी है उस उम्मीद पर हम लोग खड़े उतरने का प्रयास थी, जिसमें वीडियोग्राफी को लेकर के शायद विवाद उत्पन्न हुआ कि वीडियोग्राफी होगा और नहीं होगा, इसके चलते कुछ मेयर साहबा और नगर आयुक्त साहब कौन चाह रहे थे वीडियो चाह रहे थे नहीं हो, मेयर साहबा चाह रही थी कि वीडियोग्राफी हो और नगर आयुक्त साहब ने कहा कि इसको नियमतः लाना होगा तब होगा ये वीडियोग्राफी, इसी विवाद में शायद बैठक नहीं हो पाई, मैं भागलपुर में नहीं था, लेकिन इस के लिए कि वीडियो हो और नहीं हो इसके लिए भागलपुर का विकास रुक जाए तो ये अफसोस की बात है, तो ऐसा क्या, तो वही लोग बता सकते हैं कि वीडियोग्राफी देखिए हर सारे चीज का वीडियोग्राफी होता है लेकिन विधिवत उसका एक बनता है, उसको एग्रीमेंट करना पड़ता है जो वीडियोग्राफर होता है कि हम कैसे इसको पार्षद का कहना था कि वीडियोग्राफी वहां पर होना चाहिए, इसी मुद्दे को लेकर के शायद बात बढ़ी और बैठक नहीं हो पाई, तो इस मुद्दे को लेकर के बैठक ना हो पाई तो इससे तो विकास बाधित हो, अरे मुद्दों पर हम लोग अडिग न रहे बल्कि मिलजुल करके इसको काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और ऐसे कोई भी एजेंडा जो जिस पर हम लोग को बहुत हीच है अलग से बैठ करके इस मसले को हल करने का प्रयास। अब हम TMBU एक ऐसा अनोखा विश्वविद्यालय बनता चला जा रहा है जहां पूरे देश में BCA के छात्रों का रिजल्ट घोषित हो चुका है, लेकिन TMBU की स्थिति ऐसी चरमराई हुई है कि यहां के छात्र अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि पूरे देश में BCA 2020-23 सत्र का रिजल्ट घोषित हो चुका है। वहीं आक्रोशित BCA के छात्रों ने आज तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति का घेराव किया, साथ ही प्रशासनिक भवन के सामने घंटों प्रदर्शन किया। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हम लोगों की परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो जाएगी तब तक हम लोगों का यह प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि BCA 2023 सेशन पूरे भारतवर्ष में खत्म हो चुका है, इस सेशन के विद्यार्थियों को परीक्षा के बाद परिणाम भी घोषित कर दिया गया है, यहां तक कि बिहार की मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी इसकी परीक्षा खत्म होकर परीक्षार्थियों को रिजल्ट जारी कर दिया गया है,
लेकिन TMBU में न टीचर है न पढ़ाई होती है, फिर भी आदेश जारी किया गया है 75% उपस्थिति हो। अब कॉलेज में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही मौजूद नहीं है तो फिर वहां जाकर हम लोग क्या करेंगे। इतना ही नहीं, तालिबानी फरमान यह भी जारी किया गया कि 3 दिन विद्यार्थी नहीं आएंगे तो उनका नाम काट दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक अगर नहीं आ रहे तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेते? जब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होगी तब तक यह प्रदर्शन हम लोगों का जारी रहेगा। वहीं प्रदर्शन में BCA सेमेस्टर 2023 के दर्जनों छात्र मौजूद थे। हम लोग BCA के छात्र हैं, 20-23 सेशन है हमारा और पूरे भारत में 20-23 सेशन खत्म हो चुका है। बिहार में भी अगर बोलेंगे तो मुंगेर यूनिवर्सिटी में खत्म हो चुका है। जून में सब कोई पास हो गया, इवन TMBU यूनिवर्सिटी में सब सब्जेक्ट का खत्म हो चुका है। साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, मैथ लीजिए, सबका खत्म हो गया। BCA वाला यहाँ बैठ के घस रहा है, कोई परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। यहाँ डिमांड करने आए हैं दिसंबर में, कोई नोटिस नहीं निकला। पिछले बार आए तो पहला फुसला दिया गया कि तुम लोग का 3 दिन में निकाल देंगे, उसके बाद सब यूनिवर्सिटी सो गया है, ना कोई सुनता है। कॉलेज बुला रहा है 75% अटेंडेंस हो, क्या अटेंडेंस देंगे? ना वहाँ टीचर है, ना पढ़ाई होता है, बच्चा नहीं है। नोटिस निकाल रहा है बिहार सरकार, 3 दिन नहीं आएगा तो नाम काट देंगे, और टीचर नहीं आ रहा तो उसका क्या होगा? टीचर बोल रहा है हम आएंगे, अगला दिन अब्सेंट होता है। यूनिवर्सिटी लेट कर रहा है, उसका फाइन कौन भरेगा? भरेगा 1 करोड़ का फाइन। हम 1 दिन लेट फॉर्म भरते हैं 1000 फाइन हमसे मांगता है, कौन देगा? बाप घर से पैसा निकाल रहे हैं, बाप वहाँ काम करता है, मेहनत से पैसा देता है। 3000 का है ग्रेजुएशन का फीस, हम लोग 10-10 हज़ार 60 हज़ार दे के यहाँ पैसा पढ़ रहे हैं, क्या सीखे हैं आज तक? हैं BCA खाली नाम का, TMBU क्या पढ़ा रहा है? BCA में क्या सिखाया हम लोग को? कोई शिक्षा यहाँ नहीं होता है, TMBU खाली नाम का है। बिहार इतना पिछड़ा काय है, कोई यूनिवर्सिटी यहाँ सही से नहीं, सब यूनिवर्सिटी बंद करो। आज क्या कर रहे हो? 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराजमान हो रही है, जिनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाना है। इसको लेकर पूरे देश में अक्षत निमंत्रण लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसी बाबत अब भागलपुर के अधिवक्ता समुदाय के लोगों ने भी इसका बीड़ा उठाया है। भागलपुर के कचहरी परिसर में आज एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें भागलपुर के दर्जनों अधिवक्ताओं ने यह संकल्प लिया कि रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लोगों को अब हम लोग भी देंगे। यानी कि अधिवक्ता भी अब भागलपुर शहर के कोने कोने में लोगों को अपने स्तर से अक्षत निमंत्रण देंगे। गौरतलब है कि 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों से अधिवक्ताओं ने अपील करते हुए कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाकर अपने घरों में और आसपास के मंदिरों में पूजा पाठ करें एवं दीपोत्सव मनाएं। मैं आनंद कुमार अधिवक्ता, अधिवक्ता परिषद NCM मेंबर हूँ और आज का बैठक का था श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अक्षत वितरण सह आमंत्रण पत्र का, कैसे अधिवक्ताओं के बीच में हम लोगों ने एक जो है बैठक किया कि कैसे अक्षत वितरण ज़्यादा से ज़्यादा के बीच लोगों के बीच में जा पाए, आमंत्रण कैसे पहुंच पाए, जो कि 22 तारीख को जो है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो कि अयोध्या में होना है, उस दिन हम लोग जो है हर अधिवक्ताओं के बीच में ये संदेश देना चाह रहे थे कि जो है उस दिन हम लोग दिवाली का माहौल बनाएँ, हर घर में दीप जले, और अधिवक्ताओं के बीच में ये हम लोगों ने सहमति पारित किया कि अधिवक्ताओं के अधिवक्ता परिसर में यहाँ पर हम लोग खीर भोग का जो है आयोजन और यहाँ पर जो है अयोध्या राम प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण का जो है वो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, और सभी अधिवक्ताओं ने अपना इसमें रुचि दिखाई, इसी संबंध में हम लोगों ने बैठक इसमें किए हैं। और श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महाअभियान के जिला संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष, इस आज की बैठक हम लोग किए थे अधिवक्ता समाज में कि राम जन्मभूमि का निमंत्रण जो है हर समाज में कैसे पहुँचे। वैसे तो हमारा प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक गांव में जा रहा है, कि हमारे मस्तिष्क में एक बात आई कि क्यों नहीं एक अधिवक्ता एक समाज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी आंदोलन में समाज अधिवक्ता की अहम भूमिका रहती है, इसमें हम अधिवक्ता समाज वंचित ना रहे। इसलिए हम लोगों ने यह आज की बैठक में निर्णय लिया है कि जो भागलपुर परिसर में जितने अधिवक्ता हैं सभी को निमंत्रण देंगे और सभी को उससे आग्रह यह भी करेंगे वो अपने गांव में पूरे समाज में वो निमंत्रण दें कि 22 जनवरी 2024 को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है अयोध्या में, उसके लिए ये 22 तारीख को 11 बजे से 1 बजे तक वह प्रसारण जो हो रहा है उस प्रसारण को देखें और शाम के समय में दीपावली मनाएँ और दीपावली भव्य रूप से मनावें। जैसे 14 वर्ष वनवास के बाद भगवान अयोध्या आए थे, तो जब हम लोग दीपावली मना रहे हैं या 500 वर्षों के संघर्ष के बाद
यह दीपावली यह सौभाग्य मिल रहा है, इसलिए उस दीपावली से अधिक जोर शोर से उत्साह से उमंग के साथ दीपावली मनाएं और वो अपने घर के आसपास में जो मंदिर है उस मंदिर को सजाएं, उस मंदिर को अयोध्या बनाएं। 22 तारीख को अयोध्या नहीं जाना है, 22 तारीख को अपने घर में ही अयोध्या बनाना है। अपने आसपास के जो मंदिर है उसी को भगवान राम का दरबार मान करके और प्रसाद वितरण करना है, आरती करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं।